हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी झटपट बन जाने वाली सूजी के अप्पे। जी हाँ, जब भी आपको कुछ लाइट खाने का मन हो तो आप इसे इंस्टेंट बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। और हाँ, ये बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब मैंने बनाया है वो भी सिर्फ एक चम्मच तेल में। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप सूजी। इसमें हम मिलाएंगे 1 कप दही। जितना भी आप सूजी लें उसकी हाफ क्वांटिटी दही लें। अब हम इसमें पानी डाल के इसे एक थिक और लंप फ्री बैटर बना लेंगे। यहाँ इतने सूजी और दही के लिए मैंने यूज किया है 1.5 कप पानी। इसे विस्क की हेल्प से आप अच्छे से हिला लें और इसमें कोई भी लंप ना रहे, इसे एक स्मूथ बैटर बना लें। आप इसमें सारा पानी एक साथ ना डालें बल्कि धीरे धीरे करके पानी डालें, इससे आपको बैटर की कंसिस्टेंसी का अंदाजा रहेगा। अब आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार विस्क कर रही हूँ और एक स्मूथ बैटर बना रही हूँ। ये बैटर ना तो ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हमें इस बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है और इसके बाद आप देखेंगे कि बैटर गाढ़ा हो गया है, सूजी ने सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब हम इस बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे इसमें 1/4 कप पानी डालकर। इसे अच्छे से मिलाएंगे और देखिए ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी इस बैटर की। आइए अब हम इसे बनाते हैं और भी हेल्दी। इसमें डालते हैं सारी वेजिटेबल्स। इसमें हम डालेंगे 1 कप प्याज बारीक कटा हुआ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गाजर बारीक कटा हुआ, 1 कप कैप्सिकम बारीक कटी हुई, यहाँ पर आप येलो और रेड कैप्सिकम का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर बारीक कटा हुआ, इसके मैंने सारे बीज निकाल लिए और फिर से बारीक काटा है। और इसमें डालेंगे 1/2 कप कॉर्न्स, ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, इसे आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर वेजिटेबल्स की चॉइस में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। अप्पे बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइए अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, देखते हैं हमें इसमें आगे करना क्या है। अपने अप्पम पैन की कैविटी के हिसाब से इस बैटर को आप डिवाइड कर लीजिए। उतना ही बैटर एक अलग बाउल में निकालिए जितना आप फर्स्ट बैच को बनाने में यूज कर रहे हैं। अब सिर्फ उसी पोर्शन में डालिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। यहाँ पर आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ज्यादा ओवर मिक्स मत करिए, बस अच्छे से मिला लीजिए और इसे फटाफट से डालना है हमें अपने अप्पम पैन में। इसके लिए आप अपने अप्पम पैन में बहुत थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल के पोर कर दें, जितना भी आप चाहें। आप चाहें तो इसे ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। बैटर को एक बार वापस अच्छे से मिक्स कर लें और अब सारी कैविटीज में डालें 1-1 चम्मच बैटर। ज्यादा बैटर ना भरें क्योंकि ये राइस भी होते हैं, हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है इनके फूलने के लिए। और अगर हम इन्हें ज्यादा भर देंगे तो ये अच्छा शेप नहीं ले पाएंगे। तो इसी तरीके से आप सारे कैविटीज को फिल कर दें और इसे ढक कर पकने दें करीब करीब 8 से 10 मिनट के लिए। क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है इसलिए स्टार्टिंग के 2 मिनट मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है और 2 मिनट के बाद मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और इसे 8 से 10 मिनट तक पकने दिया है। हमें इसे लो फ्लेम पर ही कुक करना है, तभी ये बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे गोल फूल गए हैं, बिल्कुल बॉल की तरह, और इनका कितना अच्छा ब्राइट गोल्डन कलर आया है। तो हम सारे अप्पम को इसी तरीके से एक स्पून की हेल्प से टर्न कर देंगे और देखिए ये कितने ही ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। अब इन्हें वापस से हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर ढक के 5 मिनट और कुक करेंगे, जब तक कि दूसरी साइड भी क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए। वाओ, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे रवा अप्पम, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ब्यूटीफुल। तो आइए चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। इन्हें करिए बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व नारियल की चटनी के साथ। भाई मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, चाहे ब्रेकफास्ट में बना लो, चाहे शाम की चाय के साथ बना लो, और अगर कम भूख है तो एज अ डिनर ऑप्शन भी खाने के लिए बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो है ना ये टेस्टी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी लोडेड विद वेजिटेबल्स बस 1 चम्मच तेल में। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।